सुरक्षा के बीच जाली और केवटी प्रखंड की मतगणना, कई पुराने चेहरे हारे, कई नए चेहरे ने मारी बाजी। जाले प्रखंड के कुल 21 पंचायतों में 662 पदों एवं केवटी प्रखंड के कुल 26 पंचायतों में कुल 802 पदों के लिए आज दोनों प्रखंडों में हुए चुनाव की मतगणना बाजार समिति में बनाई गई मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। जाले प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के 4 पदों के विरुद्ध 56 उम्मीदवार हैं, मुखिया के 21 पदों के विरुद्ध कुल 202 उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति सदस्य के 30 पद के विरुद्ध 192 उम्मीदवार, वार्ड सदस्य के 293 पद के विरुद्ध 1243 व 21 सरपंच पद के विरुद्ध 150 उम्मीदवार हैं। इस तरह 293 ग्राम कचहरी के पद पर कुल 575 प्रत्याशी हैं। वही केवटी प्रखंड के 26 पंचायतों में जिला पार्षद के 4 पदों पर कुल 29 प्रत्याशी, मुखिया के 26 पदों के विरुद्ध कुल 224, सरपंच के 26 पदों के विरुद्ध कुल 155 उम्मीदवार हैं। सूत्रों के मुताबिक 3/1 केवटी से नादरा हुसैन 10,603 से विजेता, रंजना चौधरी 6,423 जीतते हुए मुखिया, कोठिया पंचायत जावेद आलम विजेता, माधोपट्टी पंचायत रविन्द्र पासवान विजेता, मछीगामा कंचन देवी विजेता, शेखपुरा एहसान कुरैशी विजेता, करजापट्टी अभय कुमार मंडल विजेता, पिंडारू से गोपाल कुमार झा विजेता, बड़ियौल से महताब आलम विजेता, करजापट्टी पंचायत से अभय कुमार मंडल लगभग 1100 मतों से विजय हुए हैं। जोगियारा से नया चेहरा उमाशंकर सिंह जीते, गर्री से आलिया परवीन दूसरी जीत, जाले 1/4 से मुसरत फातमा पति हबीबुल्ला हाशमी विजय, क्योटी पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया बनी रूबी कुमारी, पति संतोष शाह नासरा बेगम को किया पराजित। क्योटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3/1 से असद आजमी की पत्नी नादरा हुसैन जीती। सूत्रों के हवाले से खबर है, परिणाम में उलटफेर हो सकता है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।